सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्पीड न्यूज को, बेल आइकॉन को दबाए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। महाभियोग प्रस्ताव का विवरण सार्वजनिक करने से उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू नाखुश, स्पीड न्यूज। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का विवरण मीडिया को जारी किए जाने से उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू बेहद नाखुश हैं। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव के नोटिस की पड़ताल से पहले ही उसका विवरण मीडिया को जारी किए जाने से उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू बेहद नाखुश हैं। उन्होंने राज्यसभा सचिवालय को इस बात के कोई पूर्व उदाहरण का पता लगाने के लिए कहा है और सूत्रों से पता चलता है कि वेंकैया नायडू इस बात से कतई भी खुश नहीं है कि महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस उन्हें सौंपने के बाद विपक्षी पार्टियां सीधे मीडिया के समक्ष चली गई और उन्होंने उच्च सदन के सभापति के फैसले की प्रतीक्षा भी नहीं की। मालूम हो कि कांग्रेस के नेतृत्व में सपा, बसपा, माकपा, भाकपा, राकपा और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सांसदों ने इस महाभियोग प्रस्ताव के नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं। कांग्रेस ने जेटली पर किया पलटवार, विपक्ष के महाभियोग प्रस्ताव के नोटिस को बदले की याचिका बताने संबंधी वित्त मंत्री अरुण जेटली के बयान पर कांग्रेस ने किया शनिवार को पलटवार। पार्टी ने कहा कि राइट साइड ऑफ पावर, सत्ता के साथ होने की बजाय राइट मीन्स सही होना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल स्पीड न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।